अंगने में 80 बोरा धान है, मेरे अंगने में 80 बोरा धान है, अच्छा की वाला मर गौ लुगाई परेशान है। जिसकी बीबी अंधी उसका भी बड़ा नाम है। क्या नाम है? जिसकी बीबी अंधी उसका भी बड़ा नाम है, टमाटर पकड़ा दो कई दो काला जाम है। मेरे अंगने में 80 बोरा धान है, आज जिसकी बीबी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, साड़ी फैला दो कई दो पूरा थान है। आज जिसकी बीबी ना हो उसका भी बड़ा नाम है। अब उसका क्या नाम है? अरे सबको अपनी समझो, बीबी का क्या वो पड़ेंगे। अरे गुरु बाबा ने बुलाया है महाराज जी ने, महाराज की जीवन की जय जयकार हो। आओ मुक्ता, जानते हो तुम्हारे सखा राम ने धनुष तोड़ा है और हमें सब लोगों को बारात लेकर के मिथिला चलना है। वैसे बारात की संपूर्ण तैयारियां हो चुकी है। हाँ मैं देख के आया हूँ, मैं भी तैयारी करके आया हूँ। तुम भी तैयारी में हो? हाँ। तो वाह, साहब जितने घुड़सवार थे घोड़ों को तैयार। अच्छा ये बताओ, भरत शत्रुघ्न के लिए सवारी की व्यवस्था है कुछ? हाँ, बढ़िया रथ तैयार किया। रथ तैयार है? हाँ। और हमारे लिए? आपके लिए भी रथ तैयार है। हमारे लिए भी रथ तैयार है। और उनके लाने हाथी? हाँ सही है, शरीर के देख के। हाँ हाँ हाथी ठीक है उनका हाथी। और गुरुदेव को के लिए? गुरु बाबा के लाने ऊंट। अरे ऊंट में वो कहते नहीं नहीं नहीं, ऊंटे पर ठीक है। अरे गुरु बाबा सबसे ऊंचा रहेगा ऊंट, तू ये देख जइया कि कम से कम कोनो बराती यहाँ वहाँ तो नहीं टहल रहा हुआ, कहूँ ऐसा तो नहीं कोनो बराती ठेका में घुस जाए। तुम सबके भाई एक काम कर लिया गुरु बाबा, ये थोड़ी बार आर कटवा ले। अरे ऐसे कैसे होगा, वो पंच केस है उनके। क्यों गुरुदेव? ये मुक्ता संतों के पंच केस कहलाते हैं, इनका जो खंडन नहीं किया जाता है। पांच ठैया केस भर छोड़ दिया, बाकी सब नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। पांच स्थानों के जो केस हैं वो रखे जाते हैं। अच्छा, इसलिए तुम तैयारी करो, ऊंट की व्यवस्था हमारे लिए न करना। गुरु बाबा कुछ कर लिया तुम ऐसा करा, तुम 10 रुपए में दे देता हूँ। ऐसे पाल भैया 10 रुपए के डाई लिया तुम्हारे बाबा के घेट दियो। नहीं, ऋषि परंपरा जो खत्म हो जाएगी, ऋषि परंपरा को निभाना है और शास्त्र मर्यादा को आगे बढ़ाना है, विवाह अपने विवाह से कराना है। अरे गुरु बाबा तुम का जहाँ औरतें दिखिए तो कहीं बुढ़वा बुढ़वा आयो रे मुरली बजाए। जिन शादी में बुजुर्ग नहीं होते हैं वो विवाह असफल हो जाते हैं। अरे तो बुढ़वा गुरु बाबा के छोड़ा हम लड़का लड़का चलिए। नहीं नहीं ऐसा भी नहीं होगा, बिना गुरु के मंत्र कौन पढ़ेगा? मंत्र जरूर। ब्रह्म विवाह कैसे होगा? तो एक तो ही करा लिया, कुछ न करा वो तो वो ने यहाँ का कांगावा नगुआ कहाँ है? अरे मई तो अमोर मई नगुआ, मई पूछा तो कि नगुआ कहाँ है बाबा? बार कम से कम हिप्पी कटिंग कटवा ले। जब प्रेम में विकल हो जाता है प्राणी को, उसकी स्थिति ऐसी होती है जैसी तुम्हारी हो जाती है। अपने को स्वयं भूल जाता है, स्वयं देह को बिसर जाता है। जाओ तैयारी करो मांगलिक कार्यों की, बहुत अच्छी। चलो तुम्हारा तैयारी तो है सब कुछ है, लेकिन अब तैयारी ऐसे कैसे होगी? कुछ नाचो गाना तो ले जाना पड़ेगा। और महाराज जी के लड़के की शादी, मतलब हमारे मित्र की शादी है, ब्याह है, विवाह है, तो अब मैं बढ़िया पहले सबको तैयारी करके हाथी तैयार कर दिया है, घोड़ा तैयार कर दिया है, नाचने गाने वाली भी तैयार कर दूं। हाँ और क्या, ऐसी वैसी कल्याण व्यवस्था जैसा उचित समझो। अरे ऐसे नाचने वाली है, इतनी जालिम है वो। हाँ कि इतना खतरनाक नाचती है कि अगर वो नाच दे तो सब कोई चिल्लाएगा जालवा जालमा तोर बुला रहा है बलमा बलमा, ऐसे करते हैं तो बुलाओ मैं देखो तो ये आई जालमा। ए तो हमारे सखा के विवाह में चलना है। तुम जा रहे हो क्या? हाँ तो विवाह के लाने नहीं तैयार हूँ, कहते रहीं के लाने यहाँ तैयार हूँ। ऐसे तैयार हुआ जाता है? और कैसे देख ये फॉक्स, ये क्या है? ये इसको कहते हैं सेंट, देखे
ये तो खाली है। खाली कैसे है? अरे कुछ नहीं, खुशबू आ रही है इसमें। देख नाक सूंग चट नाई नाक ना से तो चील चील। अब ऐसे गड़बड़ न करें, नहीं तो तोर। अरे सुनिए। हाँ बोलिए। नाराज क्यों हो रहे जी? हथियार ना दूरी से बात कर। क्यों? हाँ मैं औरतन से कम बात करता हूँ। अच्छा नाराज हो जाते हो क्या? हाँ नाराज नहीं हो जाता, अगर औरत छू लेती है ना तो मैं सुखा के छुआरा हो जाता हूँ। काफी हो गया। छुओ मत, छुओ मत। चलो भाई इधर। चल देखा, देख लूं नाटकी है कि नहीं।